मुझे टूर पर जाना, और मैं जाऊंगी और मैं जाऊंगी। बहस मत करो मोनिका, अच्छे बच्चों की तरह स्कूल जाओ और जिद मत करो। बैग पकड़ो अपना, कहीं नहीं जाना है तुम्हें। महान जी समझाइए अपनी लाडली को। पापा मुझे टूर पर जाना है। देखो बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो और दिल्ली बहुत दूर है, इसलिए मम्मी जो कह रही है वो मानो। और बच्चे भी तो जा रहे हैं ना टूर पे, क्या उनके लिए दिल्ली पास है क्या? और किसने कहा मैं छोटी हूँ, मैं आपके यहाँ तक आ रही हूँ। ओहो, जरा इसकी बात तो सुनो। महान जी आपने बिगाड़ा इसको। मैं समझा रहा हूँ ना। मुझे किसी से भी नहीं समझना। और मामा आपने तो कहा था ना, अगर इस बार मुझे अच्छे नंबर आए तो आप मुझे टूर पर जाने देगी। आप अपना वादा पूरा कीजिए। हमने ये जरूर कहा था कि तुम्हें टूर पे जाने देंगे, पर ये नहीं कहा था कि दिल्ली जाने देंगे टूर पे। बातें बना रहे हो, झूठे कहेंगे। मोनिका चलिए स्कूल बैग अपना पहनिए और स्कूल चलिए। चलिए मैं छोड़ कर आता हूँ। भगवान क्या हो गया इस लड़की को? अजाब गजाब घर जमाई। मोनिका स्कूल से अभी तक नहीं आई, इतनी देर तो कभी नहीं होती है उसे। कहाँ रह गई होगी मेरी बच्ची? महान जी भी शूटिंग पे गए हैं सुबह से, फोन ही नहीं लग रहा है उनका। शूटिंग वालों ने स्विच ऑफ करवा दिया होगा अभी तो। लेकिन अब मैं क्या करूं? उधर महान जी का फोन ऑफ है और इधर मेरा दिमाग खराब है, अभी तक मोनिका स्कूल से नहीं आई। दी हमने ना कार्टून चैनल पे देखा था कि एक बच्ची अपने घर वालों से गुस्सा होके परियों के साथ परी लोग चली गई और फिर स्कूल से वापस ही नहीं आई। कहीं मोनिका को तो किसी ने कुछ नहीं बोला था? और कहीं वो भी तो नहीं? नहीं उसे कोई कुछ क्यों कहेगा, वो थोड़ा बहुत गुस्सा वुस्सा तो होती रहती है, लेकिन मैं क्यों कहूंगी अपनी बच्ची को कुछ भी। मुझे टूर पर जाना, और मैं जाऊंगी और मैं जाऊंगी। बहस मत करो मोनिका, अच्छे बच्चों की तरह स्कूल जाओ और जिद मत करो। बैग पकड़ो अपना, कहीं नहीं जाना है तुम्हें। महान जी दी हम क्या कह रहे हैं कि ये मोनिका वाली बात ना हमें नानी से कह देनी चाहिए, नहीं तो कहीं कुछ हो ना जाए, है ना? चलिए। बताओ जगदम्बे आजकल खबरें क्या है? लूट खसोट गुंडागर्दी किडनैपिंग, अब ये तो खबरें रह गई। क्या आदमी डॉली कहो ना। दी आप कहो ना। डॉली कह दो ना प्लीज। दी आप कहो ना। क्या कहो ना लगा रखा है, क्या कहना है? नानी वो बहुत देर हो गई है ना, और मोनिका भी अभी स्कूल से नहीं आई है, तो दी परेशान हो रही है, कहीं मोनिका गायब तो नहीं हो गई? अरे ऐसे कैसे कोई गायब हो जाएगा, कोई मजाक है क्या? एक मिनट लॉली, सच क्या है बोलो। नानी वो आज मोनिका ना स्कूल के बच्चों के साथ जाने के लिए दिल्ली टूर पे जिद कर रही थी, तो बस मैंने और महान जी ने मना कर दिया, नाराज हो गई, बोली कि मैं अब बच्ची नहीं हूँ बड़ी हो गई हूँ, और गुस्से में स्कूल चली गई। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम हमें बताते तक नहीं हो? हम स्कूल फोन करके देखते हैं। गुप्ता जी, राधे राधे, हम जगदम्बा शक्तिशाली बोल रहे हैं। क्या है कि मोनिका शक्तिशाली अभी तक घर नहीं पहुंची है। क्या स्कूल से जा चुकी है? और बाकी बच्चे दिल्ली चले गए? जी जी ठीक है। राधे राधे, स्कूल में है नहीं, टूर पे गई नहीं, घर पहुंची नहीं, ये मोनिका है कहाँ? छोटी बच्ची है, कहीं कुछ कहीं ऐसा तो नहीं? चिंटू से लेके आ रहा हूँ, मैं फोन करता हूँ चिंटू को। चिंटू बेटा, हाँ मोनिका तुम्हारे साथ है क्या? तुम स्कूल की तरफ गए नहीं? नहीं बेटा, वो मोनिका अभी तक घर नहीं पहुंची है।
बड़ेलाल जी मालकिन, मोनिका के कमरे में जाओ और देखो, शायद कुछ मिल जाए जिससे पता चले कि मोनिका गई कहाँ है। समझ गया मालकिन। बच्ची गई तो गई कहाँ? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। छोटी सी बच्ची है, कोई भी बहला फुसला सकता है। कितनी फिल्मों में देखा है। हाँ दी, हमने भी कई सीरियलों में देखा है कि एक छोटी सी बच्ची नाराज होकर घर से चली जाती है और फिर बदमाशों के चुंगल में फंस जाती है। ओहो डॉली, बंद करो ये बकवास। हाँ, कुछ भी ऐसा मत करो डॉली, दुआ करो कि हमारी मोनिका जहाँ भी हो सलामत हो। नानी जी की जय हो। नानी जी मथुरा में देख लिया पूरे, मोनिका का स्कूल भी गया था, वहाँ भी नहीं है वो, पता नहीं कहाँ है। जिंदी बच्ची है, कहीं ऐसा ना हो कि टूर में दिल्ली चली गई हो। मैं फोन करके पता लगाती हूँ। गुप्ता जी, राधे राधे, माफ करना आपको तकलीफ दे रही हूँ। क्या है ना कि मोनिका शक्तिशाली अभी तक घर नहीं लौटी है, तो आप प्लीज एक मेहरबानी करेंगे, जरा टूर मैनेजर से पूछ लीजिए कि कहीं वो टूर में तो नहीं चली गई और बच्चों के साथ। जी जी, बहुत कृपा होगी। राधे राधे। मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे चिंता हो रही है, कहाँ है मेरी मोनिका? अरे लॉली बेटा, चिंता से क्या होगा, मोनिका वापस थोड़ी आ जाएगी। देखो हमने फोन किया है स्कूल में, पता लगा रहे, हो सकता है वो दिल्ली ना चली गई हो। रुको जरा। मेरे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, उसको भेजा क्यों नहीं दिल्ली? ऐसे कैसे भेज देते, छोटी सी बच्ची है, आपकी अपनी बच्ची होती ना तब पता चलता कि माँ बाप को कितनी फिक्र होती है। अरे ये क्या बात कर रही हो लॉली जी आप, वो कहीं अलग है क्या? मोनिका मेरे लिए अलग है, हम सब के लिए जैसी है वैसी है, बेटी जैसी है मेरे लिए तो वो। पर दीदी आप ऐसे कैसे बात कर रही है? मानते हैं कि अभी आप परेशान है और आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप चिंटू जी पे आरोप लगा रही, वो भी तो मोनिका को कितना प्यार करता है। अरे तुम लोग आपस में लड़ते रहो, अरे समझाओ इनको जगदम्बे। देखो भाई, अगर लड़ने से मोनिका वापस आ जाती है तो बोलो हम भी लड़ाई शुरू कर देते। बोलो किससे लड़े, तुमसे लड़े, तुमसे लड़े या तुमसे लड़े? मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। अरे बेवकूफ लोग हो, सोचने का समय है ये, दिमाग पे जोर दो। फोन आया। हाँ हाँ, हम जगदम्बा शक्तिशाली बोल रहे हैं। राधे राधे। क्या मोनिका टूर के बच्चों में नहीं है? जी जी जी, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, भेजना चाहिए था, सीखने को मिलता। जी जी, बहुत मेहरबानी। मालकिन मालकिन, मोनिका बिटिया के कमरे से ये पर्चा मिला है। घर और जंगल में मुझे अब कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, मेरी वजह से आप सबको बहुत परेशानी सहनी पड़ती है, मेरी मांग पूरी करने में आप सभी को कितना कुछ करना पड़ता है, और मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो बस यही चाहूंगी कि कोई भी लड़की मेरी तरह सिंड्रेला ना बन जाए, अब और नहीं। मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ कर जा रही हूँ। तो देख लो, मोनिका की भावनाओं को किसी ने समझा नहीं, वो बच्ची क्या चाहती है किसी ने नहीं समझा, देख लो क्या कर दिया उसने। अरे मोनिका प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज। पानी वानी पिलाओ उनको थोड़ा सा। हेलो हेलो बाबा जी, हम हैरान हैं कि मोनिका के दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, किसी को कोई भनक ही नहीं मिली। अरे नानी, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। तुम तो रहे नहीं दो बस। अब मैंने तो बचपन से ही सुंदरी को कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, तो कोई ऐसे डांटता है क्या? वही तो, लॉली जी ने कहा था, उसको प्रॉमिस किया था मोनिका को कि जैसे ही वो एग्जाम में अच्छे नंबर लाएगी ना, आप उसको दिल्ली लेकर जाएंगी घुमाने के लिए। माँ हूँ मैं,
अकेले कैसे जाने देती है अपनी बच्ची को, थोड़ी ना पता तो ऐसा हो जाएगा। वही तो, लॉली जी ने कहा था, उसको प्रॉमिस किया था मोनिका को ऐसा कुछ कि जिससे पूरे घर वालों की सांस अटक जाए। सांस तो अटक ही गई है ना चिंटू जी, अब आप कितना भी कह लें कि मोनिका ये नहीं कर सकती, पर उसने ये कर दिया। लेकिन ये इस तरीके का लेटर, सच में लेटर सुन के तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अब पता चला मोनिका के छोटे से दिल में कितनी बड़ी चोट लगी थी। अक्सर सीरियलों में भी ऐसे ही पॉइंट पे एपिसोड फ्रीज होता है। अरे बंद करो ये सीरियल की बकवास, ये फालतू बातें करने का समय नहीं है। अरे मैं ये सोच रहा था कि मोनिका नाराज हुई तो हुई, लेकिन वो गई कहाँ होगी? पता करना पड़ेगा, सब जान पहचान वालों को पूछना पड़ेगा भाई कहाँ ये लड़की। मालकिन मालकिन, हाँ? लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाबा जी से अभी मेरे फोन पर बात हुई, इसके बहुत बड़े जानकार है बाबा, उन्होंने कहा है बच्ची आसपास ही कहीं है, ज्यादा दूर नहीं गई है। बाबा ने बिल्कुल सही कहा, मेरा दिल कहता है मेरी बच्ची मुझसे दूर नहीं जा सकती। बड़े लाल जी, क्यों घर में अंधविश्वास फैला रहे हो हैं? अब ये बाबा बताएंगे कि मोनिका कहाँ गई है। की बात, अब ना सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है पुलिस। पुलिस चिंटू बेटा एक बार फिर सोच लो, ये पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बात तो आप सही कह रहे हो नाना जी कि पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता बचा नहीं है सिवाय पुलिस के। बिल्कुल ठीक कह रहे हो चिंटू, अब कोई रास्ता नहीं बचा है, फोन करते हैं हम पुलिस को। हाँ लगाओ लगाओ नानी, हिम्मत रखो, मिल जाएगी मिल जाएगी। बच्ची गायब हुई है, ये आपको कब और कैसे पता चला? मेरी मोनिका के स्कूल से लौटने का टाइम था और वो लौट के नहीं आई। देखिए स्कूल से ना लौटना और गायब होना ये दोनों अलग अलग बातें, ना लौटने के जितने कारण होते हैं उतने ही गायब होने के भी। तो पहले पता लगाते हैं कि लड़की गायब हुई है या लौटी नहीं है। दरोगा जी हमने स्कूल से पता किया, बच्ची स्कूल में नहीं है और स्कूल को छूटे काफी वक्त हो गया है और हमारी बच्ची हमेशा स्कूल से सीधा घर आती है, इधर उधर कहीं नहीं जाती वो। यहाँ पे सवाल ये उठता है, अगर बच्ची सचमुच गायब है तो गायब होने की वजह क्या है? अब जैसे मैं एक किस्सा सुना रहा हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब हमने जोड़े हाथ, हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, हमारी बच्ची गायब होगी, एक एक सेकंड कीमती हम लोगों के लिए, समझ नहीं रहे आप बात? ये देखिए बच्ची का लेटर। उसे से ये लगता है या तो बच्ची को किसी ने डांटा था या उसकी कोई बात नहीं मानी गई, कुल मिलाकर बच्ची नाराज थी। ऐसे केस हमारे पास रोज आते हैं, इसमें पुलिस वाले क्या कर सकते हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप दरोगा जी। देखिए घबराइए मत, बात समझने की कोशिश कीजिए, आपकी बच्ची अपने मन से गई है ना तो अपने मन से वापस घर भी आ जाएगी। ले लीजिए। बड़े लाल जी मालकिन, अरे मैं तो पहले ही कह रहा था चिंटू तू समझता ही नहीं है, अरे पुलिस का मतलब है कि मुसीबत, ढूंढती कम है पूछती ज्यादा है, और समझाती है वो भी अपने तरीके से, ये भी समझा के चला गया, अरे शुक्र मनाओ कि जल्दी गया। हेलो, पैसे टाइम पर भिजवा दो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, आप भी उसको लगता था है। किससे बात कर रही थी लॉली? किसका फोन था बेटा? किडनैपर का फोन था। अजब गजब